राजा चंद्रपाल सिंह सोलंकी, पालीगंज जिला टीकमगढ़ से। हमारे बीच में छोटी सी भागवत कर्ता आदरणीय परम सम्मानीय रागिनी जी भारती वृंदावन धाम से पधारी हैं और हमारे पठेश्वरी धाम में प्रथम बार उनकी यहाँ पे भागवत हो रही है और हम सब भक्त लोग खड़े हैं और तो हम आज इनका इंटरव्यू लेने आए हैं। हम अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हम प्रथम इंटरव्यू ले रहे हैं भागवत कर्ता का। अभी तक बुंदेली कलाकारों का लेते रहे हैं, तो नमस्कार कीजिए हमारी बुंदेलखंड की जनता से। राधे राधे। अच्छा अच्छा, कब से कर रही हैं रागिनी जी आप? हम 9 वर्ष के थे जब से श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा करते। अच्छा अच्छा, लगभग कितनी कथाएं अभी तक कर चुकी हैं आप? 37। 37 कथा? 37वीं कथा है। एक बहुत बड़ी बात है। और परम सम्मान्य हमारे भैया राज बाबा जी, ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान है और इनके संरक्षण में हमारे लगभग बुंदेलखंड के 10-20 जिले में इन्हीं के सानिध्य में कथा इनके संपर्क के द्वारा होती हैं और ये हमारे लिए पलेरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी ख्याति समझो, बहुत बड़ा अनमोल हीरा समझो, या बहुत बड़ा पलेरा के लिए एक वरदान समझो हमारे इस क्षेत्र के लिए। जो हमारे राज बाबा जी जैसे धार्मिक व्यक्ति ने इस नगरी में जन्म लिया और इस क्षेत्र में धर्म की गंगा बहाई और इनके द्वारा आज हमारी रागिनी भारती जी वृंदावन का आगमन हुआ और यहाँ पे भागवत चल रही है। तो बाबा जी कुछ बोलेंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे आप सभी अपने बुंदेलखंड के साथियों से, पूरे भारत से, कि इंसान हर संसार में जन्म लेता है और फिर वो गृहस्थ जीवन में आता है, परिवार के जीवन में आता है, तो कोई दुकान करता है, कोई खेती करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई नेतागी करता है अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए। तो ये संसार के लोग सब करते हो, करते रहेंगे। मैंने भी, मेरा परिवार है, मेरा सब कुछ है, मैंने अपना जीवन बनाया है कि जैसे संसार के लोग और धंधे करते हैं, एक मैं ऐसा धंधा करूं कि जिससे सदा मेरी सोच मेरे कदम से संसार का भला हो और मेरा पेट का पालन हो। तो मैंने अपनी भागवत कथा कराने का, राम नाम के उच्चारण का, राम नाम संकीर्तन के, इसको अपना पेट का पालन धंधा समझ के संसार में शुरू किया है। भगवान की कृपा से, माता पिता बड़े बुजुर्ग साधु संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, आप जैसे सभी प्रेमियों की वजह से आज मेरी 467 नंबर की कथा अपने पठेश्वरी धाम में हुई है। 467 कथाएं जा रही हैं और ये सब संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। मेरे गांव का, मेरे मोहल्ला के वासी, मेरे एक पिता मेरे स्वयं जन्म देने वाले हैं, मगर मेरा नगर, मेरा मोहल्ला, मेरा घर घर मेरा पिता है, मेरी माता है। और मेरे जैसा जो अभी आप यहाँ पठेश्वरी धाम पर खड़े हैं, इस गांव की ऐसी महिमा है कि हैं तो अलग अलग, मगर जब पठेश्वरी धाम की बात आती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा नगर नहीं, पूरा जिला पठेश्वरी धाम पर इकट्ठा है। ऐसा परिवार, एक प्रेम हमारे गाँव का, मोहल्ले का है और धन्य है ऐसा मोहल्ला, ऐसा नगर, और धन्य है भगवान के ऐसे भक्त जो सदा ऐसा धर्म संकीर्तन कराते रहते हैं। आप जैसे भक्तों की कृपा से ऐसे ही हरि संकीर्तन, राम नाम उच्चारण होता रहे और संसार में सब लुट जाए मगर ये ना लुटने पाए, यही मेरा सबसे आग्रह है। अच्छा, बोलो राम लला सरकार जी, यहाँ के आप कैसा महसूस कर रही हैं? हमारे पलेरा वासियों का, यहाँ भक्तजनों का कैसा व्यवहार और स्वभाव लगा आपको? हम यहाँ पे जब से आए हैं तो हम कहीं भी कथा में जाते हैं तो परिवार वालों को छोड़ के ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम आए हैं तो ऐसा लगा जैसे हमारा परिवार हमसे अलग ही नहीं है और यहीं पे हम अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो और आज मुख्य यजमान यही है हमारे पप्पू भैया? हाँ जी, यही मुख्य यजमान है और हमारे पिताजी समान है, ऐसा लगता है जैसे हमारे खुद के ही पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बोलो भैया जी महाराज, हमारे स्टूडियो के लाने आशीर्वाद देना चाहो कि खूब आगे बढ़े आपको सोलंकी स्टूडियो? आपका सोलंकी स्टूडियो इतना आगे जाएगा, भगवान करें कि इतना आगे जाए कि अभी तो बुंदेलखंड है, पूरे भारत में इसका नाम। जय हो। और अभी आज हमने कुछ भजन वगैरह रिकॉर्ड किए हैं, ये इंटरव्यू आज ही डल जाएगा, तो आगे आपको बड़े भजन मिलेंगे इनको सोलंकी स्टूडियो पलिया चैनल पर, एक से एक भजन मिलेंगे। आज बहुत सुंदर 5-7 भजन लोड किए हैं और सोलंकी स्टूडियो पलिया चैनल पर आपको मिलेंगे बहुत जल्दी कल से। तो बाबा जी अपना मोबाइल नंबर बोलो, कोई भागवत कराना चाहता है आपसे और छोटे से छोटा बड़े से बड़ा दिव्य आयोजन कराने के लिए हमारा वैसे शुल्क तो नहीं रहता है, मगर आयोजन में जो व्यवस्थाएं रहती हैं और इतना तो आप सबके आशीर्वाद से भगवान ने कला दी है, आपका हाथ जोड़कर प्रणाम करके और सब जैसे भी है आयोजन को सफल बनाने के लिए
हम दिन रात मेहनत करते हैं, सब लोग एक टाइम कथा करते हैं, हम दो टाइम करते हैं, राम कथा भी और भागवत भी दोनों करते हैं। जो अच्छा। संगम असंभव है, आम के आम गुडलेन के दाम असंभव भी है, दो ही कथा हो जाती है, हल्के से बजट में। राम कथा और भागवत, दिन में राम कथा चलती है, रात में कोई भी देवी जी के द्वारा भागवत चलती है। अच्छा। और संसार के कोने कोने में लगभग पहुंच चुका हूं, भारत के कोने कोने में। हाँ। और जो भी भागवत कथा और राम कथा आदि विशाल आयोजन, और जिस गांव में कभी ना हुई हो, दो आदमी सहयोग कर दें उस गांव में करने की हिम्मत हम रखते हैं। ऐसा होना हनुमान जी ने, उनकी कृपा का हमारे सिर पर है। और हमारा मोबाइल नंबर 6388 31 00 28, ये मोबाइल नंबर है राजेश्वर दास महाराज जी के नाम से, और यहाँ अपने क्षेत्र में राज बाबा जी के नाम से लोग हमें प्यार देते हैं। जाने जाते तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटे आदमी हैं, संतों के ब्राह्मणों के चरणों की धूल नहीं है, लोग हमें आशीर्वाद देते हैं। जो भी संपर्क करना चाहें, कथा करवाना चाहें, और जिस गांव में कभी नहीं हुई है, बस दो आदमी साथ हो जाए, उस गाँव में भी ऐसा आयोजन हो जाएगा कि आप याद रखेंगे कोई कथा हुई है, मेरा वादा है। शुल्क वगैरह कुछ नहीं, बस आप आशीर्वाद दो और बाकी शुल्क आयोजन के अनुसार जो आपसे बने सो करना, और नहीं बने सो बिल्कुल नहीं करियो, हम निकाल लें। हर जगह आप ऐसा ही करते हैं? हर जगह ऐसे। दिन में भागवत हो, रात में दिन में राम कथा, रात में भागवत महापुराण। अच्छा, दोनों ऐसे चलते हैं दोनों टाइम। तो बहन जी थक नहीं जाती होंगी? बहन जी अभी बहुत छोटी है, तो इनका सहयोग भी करवा देते हैं, और बहन जी के ऊपर भी राधे रानी की साक्षात कृपा है, हमारे ऊपर संत ब्राह्मणों की, इनके ऊपर भी है, सब उन्हीं का आशीर्वाद है और सब आप सबका प्रेम है। तो बहन जी, हमारे यहाँ की जनता द्वारा बुलाएगी, द्वारा भी पधारोगी? जी, अभी आपने कथा के लिए बुलाया, प्रेम से किसी भी कार्यक्रम के लिए बुलाएंगे तो हम अवश्य आएंगे। और हमारे बाबा जी ने मतलब फिर से अगर इसी क्षेत्र में और अन्य जगह बुलाना चाहा? बाबा जी के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं, वो हमारे पिता समान है, तो पिता के लिए बेटी के लिए पिता बुलाए तो बेटी क्यों नहीं आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो बिहार की हमें बहुत सुंदर विचार है, बहुत सुंदर भाषा है, बहुत सारा ज्ञान है, और पूरी भागवत इतनी सी छोटी सी उम्र में, यानी गागर में सागर भर दिया, कंठस्थ है पूरी महापुराण और भागवत और ये आपको राम कथा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके बीच से विदा लेते हैं। एक बार हर हर महादेव। जय जय श्री राम।